अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स एक ऐसा मेथड है जो कि तैयार किया जाता है यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट से। सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। जैसे अगर आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जो कि डिसॉल्व हो सकते हैं, उसको इसके अंदर डालें तो जब ये रिएक्शन होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस रेडिकल्स, जैसे ही एक्सचेंज होगा रेडिकल्स का, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस टू न्यू सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे इसके रिएक्शन के रिजल्ट में। तो एक सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल हो गया, ठीक है, और जो आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नज़र आ रहा है तो ये है आपके पास इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो सॉलिडिफाई फॉर्म में होगा, ठीक है, नीचे बीकर में बैठ जाएगा। मैंने यहाँ पर इस तरह से शो किया है कि ये इनसॉल्युबल है, नहीं तो ये यहाँ पर नीचे इसके बॉटम पे आपको नज़र आएगा जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा, और जो सॉल्युबल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड के साथ। दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास आएगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये है आपके पास रिएक्शन। अब ये होगा किस तरह से जो है ये आपस में इनके आयंस रेडिकल जो हैं वो किस तरह से एक्सचेंज हुए, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। NO3 का स्ट्रक्चर, NO3 एंड सिल्वर, ठीक है, और NaCl, अब मैं एरो के बाद वाला नीचे लिखूँगी। सबसे पहले जो है वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और सिल्वर जो है Ag पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव, और यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव। अब यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगा, ये जो पॉजिटिव है ये मूव करेगा, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा अभी कि आयोनिक रेडिकल्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, मेटेलिक रेडिकल एक्सचेंज विद एसिडिक रेडिकल्स। तो पॉजिटिव जो है वो किसके पास आएगा, इस ऑक्सीजन के पास, और ये सिल्वर इसके पास आएगा। तो जैसे ही ये आपस में एक्सचेंज होके मिलेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा AgCl, यानी Ag इसके साथ मिलेगा AgCl, नेगेटिव चार्ज ख़त्म, और सोडियम आके इसके साथ मिला तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो AgCl और NaNO3, तो ये है आपके पास रिएक्शन। पहला सिल्वर नाइट्रेट किस तरह से सोडियम क्लोराइड के साथ मिलेगा, आपके पास AgCl एंड NaNO3 बनेगा, तो ये मैंने आपको रिएक्शन बताया। नेक्स्ट वन है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किस तरह से होगा कि ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 CuSO4, और प्रोडक्ट में आपके पास आएगा कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। तो ये बहुत इजी है कि आपके पास ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो आपस में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, Na2SO4 के साथ और CuCO3 के साथ। तो जैसे ही इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज होंगे तो ये देखें Na2SO4 और CuCO3, तो ये है आपके पास सेकंड रिएक्शन। नेक्स्ट वन है आपके पास, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर अभी मैं आपको नाम बताऊँगी टाइप्स ऑफ सॉल्ट के, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट टाइप्स हैं इसकी, नंबर वन है नॉर्मल सॉल्ट्स, नंबर टू है बेसिक सॉल्ट्स, ये इसकी टाइप्स हैं, टाइप नंबर थ्री है आपके पास
एसिडिक सॉल्ट, नंबर फोर है डबल सॉल्ट, नंबर फाइव मिक्स्ड सॉल्ट एंड नंबर सिक्स है आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये हैं सॉल्ट की टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।